हेलो दोस्तों, नमस्कार। आई होप यू आर डूइंग वेल। बहुत सारे बच्चे अच्छे होंगे। दिस इज रिगार्डिंग द गुरु घासीदास विश्वविद्यालय। बहुत सारे बच्चों की लगातार क्वारी आ रही है, वन टू वन कॉलेजेस लेके आ रहे हैं लगातार। सीयूईटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022 भीड़ लगा दी हमने। 1000 वीडियोज कम नहीं होते सभी कॉलेजों के हैं। बस मजे करो तुम लोग, और कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। हर कॉलेज की लगातार अपडेट आ रही है, लगातार 1-to-1 डाउट सॉल्व, हर बच्चों के लिए कॉल सॉल्यूशन, सीयूईटी स्मार्ट ब्रॉडकास्ट सर्विसेज, व्हाट्सएप ग्रुप अपडेट, लगातार हम आपकी हेल्प करते जा रहे हैं। इसलिए आप अगर चाहे तो हमारे पेड काउंसलिंग प्लान में इनरोल कर सकते हैं, जहां पे आपके एडमिशन के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। हालांकि कुछ दिनों से मैं ट्राई कर रहा हूं कि बहुत सारे बच्चों के कॉल्स आ रहे हैं कि हमको अपडेट पता नहीं था, हमको पता नहीं था कि हमारा एडमिशन होगा कि नहीं होगा, हमारे कितने मार्क्स है, किस कॉलेज की क्या जरूरत है, क्या इशू है, क्या सारा सीन चल रहा है। इसलिए हम एक स्टार्टअप लेके आ रहे हैं collegejankar.com, ठीक है। उसके लिए हम हायरिंग भी कर रहे हैं, स्पेशली वीडियो क्रिएटर्स, एडिटर्स एंड कंटेंट राइटर्स एंड अदर। सो आप भी अगर जस्ट लाइक अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अगर आप भी जस्ट लाइक वर्क वगैरह करना चाहते हो, फ्रीलांसिंग एंड अदर, तो ज्वाइन कर सकते हो। या फिर अगर आपकी कोई फैमिली में आपके बड़े भैया भाई जो भी हो, बहन, तो आप उनको भी बता सकते हो, ठीक है। ये जो व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, इसको रिकमेंडेड कर सकते हो। साथ में ईमेल आईडी दिया गया है, उसके ऊपर आप अपना रिज्यूमे भी शेयर कर सकते हो हमारे पास, ठीक है। हम आपको नौकरी दे रहे हैं, ठीक है। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय क्या अपडेट है भैया, ठीक है। हालांकि 31 अक्टूबर 2022 को अपडेट आया यूनिवर्सिटी की तरफ से, 1 नवंबर को भी अपडेट आया रिगार्डिंग द एडमिशन। भैया क्या एडमिशन क्लोज हो चुके हैं क्या सीयूईटी यूजी के, क्या क्या प्रोसेस है, हा? क्या हमें एडमिशन नहीं मिलेगा, क्या सारा सीन है। तो सबसे पहले सभी बच्चों को जिनको भी एडमिशन मिलता है, लॉगिन पोर्टल पे जाके अपने आप को लॉगिन करके एप्लीकेशन नंबर डाल के फीस पेमेंट करना होता है, अगर आपको वो अलॉटमेंट हुआ है तो। हालांकि कुछ कोर्सेस के लिए यूनिवर्सिटी की तरफ से अपडेट आया रिगार्डिंग द फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो वो क्या होने वाला है उसके लिए आप सब लोग ध्यान से देख लो। जिन भी बच्चों को बुलाया गया, कुछ डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ, ये डॉक्यूमेंट अगर आपके पास नहीं होते हैं तो आपको जो है एडमिशन कैंसिल हो सकता है, और अगर नहीं है तो क्या करना है उस कंडीशन में वो भी डिस्कस करेंगे। आपको एक तो सीयूईटी यूजी का एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने भरा था, अगर आपके पास अभी नहीं है तो जाके cuet.smart.edu.in पे से डाउनलोड कर लो। उसके बाद आपको सीयूईटी यूजी का एडमिट कार्ड लेके जाना है, वो भी वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। मार्कशीट लेके जानी है, 10th की 12th की ओरिजिनल मार्कशीट होंगी, वहां पे वो लोग देखेंगे कि भैया ओरिजिनल है कि नहीं है, ठीक है। इन सब बातों का ध्यान रखेंगे सारे बच्चे। आपका जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है, SC ST PWD OBC जो भी आपका, ठीक है, 31 मार्च से बाद का होना चाहिए, ठीक है। ऐसा भी कहा जाता है कि 1 अप्रैल से पहले का नहीं चलेगा, 1 अप्रैल के बाद का चलता है, ठीक है, 1 अप्रैल के बाद का चलेगा। और जस्ट लाइक आपको अपनी TC लेके जानी है। TC का मतलब होता है ट्रांसफर सर्टिफिकेट, आपको अपना स्कूल वाला देगा, या फिर आप अगर PG में है तो आपका कॉलेज वाला देगा। माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो वो भी आपको गवर्नमेंट की तरफ से ही मिलता है। आपका फीस का रिसिप्ट जो भी आपने फीस पेमेंट किया पोर्टल पे, आपको अपना आधार कार्ड लेके जाना है। आप अपने DOP सर्टिफिकेट के लिए जो है आप अपना 10th का मार्कशीट शो कर सकते हैं, साथ में आपके पास DOP सर्टिफिकेट हो सकता है, फिर आधार कार्ड भी चलता है बहुत सारी जगह। पासपोर्ट साइज फोटो लेके जानी है 2, अगर आपका कोई गैप है यानी कि आपने क्लास ड्रॉप किया तो एक गैप सर्टिफिकेट आपको जो भी नोटरी वाले से बनवा लेना, वकील वगैरह से। अगर आपको फिजिकली हैंडीकैप है तो आपको उसका सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। अगर आप जो है हॉस्टल लेना चाहते हैं तो आपको प्लेन पेपर पे सारी डिटेल देनी होगी, साथ में 2 फोटोग्राफ एंड 1 सेट ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स जो भी यहाँ पे बताए गए वो हॉस्टल के लिए देना है। 7 नवंबर को आपको बुलाया गया है, टाइम है 9:30 का, डिपार्टमेंट वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट होगा 10 बजे से लेके 11 बजे तक, रूम नंबर 29 UTDA विंग, बिल्डिंग नंबर डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, GGU बिलासपुर, छत्तीसगढ़। यहाँ पे कुछ कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया है, ज्यादा बेटर अपडेट के लिए आप इनको कॉल भी कर सकते हैं। कुछ बच्चों की लिस्टें दी गई है कि इन इन बच्चों को आना है, ठीक है। तो 1 तारीख का ये नोटिस है, सारे के सारे बच्चे इस नोटिस को बिल्कुल इंपॉर्टेंट लेंगे। इसके बाद ही जिन भी बच्चों का अभी तक एडमिशन नहीं हुआ है, डोंट वरी, एडमिशन हो जाएगा आपका, मैं यही आशा करता हूँ। एंड बहुत सारी बार जो है स्पोर्ट एडमिशन अलग अलग राउंड कंडक्ट किए जाएंगे, बहुत सारे कोर्सेज के लिए लगातार अपडेट आ रही है, हर रोज हर दिन लगातार काउंसलिंग हो रही है, लगातार लिस्टें रिलीज कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे सीटें छोड़ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे सीटें ले रहे हैं, यही सीन चलता रहेगा। ये प्रोसेस 15 दिन का है, 15 दिन जरा सी मेहनत कर ले बंदे, ठीक है, तो आपके 4-3 साल अच्छे से गुजर जाएंगे। यही आशा करते हुए मैं वीडियो को क्लोज कर रहा हूँ। इसके साथ ही मैंने यहाँ यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, जो उसको जरूर से सब्सक्राइब करके 100 सब्सक्राइबर जरूर से कंप्लीट कर दो। मैं आपके लिए हर रोज वीडियोस लेके आता हूँ, खुद की पढ़ाई डिस्टर्ब होती है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि हो सकता है किसी गाँव में बैठे हुए बच्चे को कुछ अच्छा भला हो जाए।
इसके साथ ही आप हमारी सीयूटी की पेड काउंसलिंग प्लान में एनरोल कर सकते हैं, जहाँ पे हम आपकी पूरी हेल्प करते हैं रिगार्डिंग द एडमिशन प्रोसेस इन 2022, कि आपका इस मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन होगा कि नहीं होगा, गवर्नमेंट में प्राइवेट में काफ़ी कम लोएस्ट प्राइस पे, इंडिया के अंदर सबसे चीप प्राइस पे हम आपका एडमिशन कराते हैं। उसके लिए भी आप व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, हेल्पलाइन नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और भी आप लोगों की इंक्वायरी है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच। खूब पढ़ते रहो, छोटों से प्यार करो, बड़ों का सम्मान करो। आजकल वीडियोज के अंदर मैं थोड़ा ज़्यादा बोलने लग गया हूँ, स्पीड से, तो जरा